नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने उच्चतम न्यायालय के संबंध में कुछ बातें की थी। आज हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के बारे में। आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में, उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक अधिकारिता के संबंध में बात की गई है। अब इसे प्रश्न के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, आपको जवाब देना है नहीं है। फर्स्ट, केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाए, केंद्र राज्य विवाद। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, केंद्र प्लस राज्य एक तरफ है, कुछ राज्य या एक राज्य, दूसरा कोई राज्य या अन्य राज्य, कई राज्य एक तरह है, उस तरीके का विवाद। तीसरा, दो राज्यों के मध्य विवाद, दो राज्यों के विवाद। या फिर फोर्थ कंडीशन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव में चुनाव विवाद। निम्न में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अधिकारिता का क्षेत्र नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये सभी केसेस ऐसे हैं जिनकी सुनवाई डायरेक्ट कहां होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी। हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट इन केसेस की सुनवाई नहीं कर सकती। पर अनुच्छेद 131 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में केंद्र राज्य विवाद, केंद्र राज्य प्लस अन्य राज्य का विवाद और राज्य राज्य विवाद को उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में बताया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये चुनाव में विवाद अगर होता है, ऐसे केसेस भी हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई नहीं किए जाएंगे, ना ही लोअर कोर्ट के द्वारा। ये केसेस भी उच्चतम न्यायालय के माध्यम से ही सुनवाई किए जाएंगे। पर अनुच्छेद 131 में इसमें उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, इस प्रकार से यहां पर बात नहीं की गई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 131 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के विवाद जो होते हैं वे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे, 131 के अंतर्गत। अब देखिए अगला बातें हम करते हैं। ये जो विवाद वाली कंडीशन है ये किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 71 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, अगर इसमें कोई विवाद पैदा हो जा रहा है तो इस विवाद की सुनवाई कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। ये इस प्रकार से बात है। एक बात है आपके अनुच्छेद 262 में, 262 संबंधित है नदी जल विवाद से, नदी जल विवाद। नदी जल विवाद में इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें यह कहा गया है कि संसद इसमें क्या बनाएगी, एक न्यायाधिकरण बनाएगी, और नदी जल विवाद संबंधी जो मामले हैं वे इस न्यायाधिकरण के माध्यम से हल किए जाएंगे और इस न्यायाधिकरण का जो भी फैसला होगा वह क्या माना जाएगा, अंतिम फैसला माना जाएगा। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। जो केसेस पहले चल रहे हैं, अनुच्छेद 262 इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है कि नदी जल विवाद मामले न्यायाधिकरण के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा और इनका निर्णय अंतिम होगा। इसी प्रकार से एक और मामला है, आर्टिकल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
329 का, यह कहता है परिसीमन के बारे में। परिसीमन इस वर्ष आगे अभी काफी मुद्दा रहने वाला है। परिसीमन का अर्थ है सीटों का, जैसे पूरे देश में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें सीटें किस एरिया तक एक सीट बनेगी, इन सब का जो निर्वाचन निर्णय होता है ये कौन कर सकता है, परिसीमन आयोग करता है। जैसे आप देखते होंगे कि हमने कहा कि रायपुर लोकसभा सीट है, तो ये इस एरिया तक होगी, इसका कितना बड़ा एरिया होगा, कहां की कौन सी पॉपुलेशन इसके अंतर्गत आएगी, ये सारा निर्णय कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। और परिसीमन आयोग जो निर्णय दे देगा यही निर्णय क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा इन मामलों में, परिसीमन के मामले में, नदी जल विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जगह पर न्यायाधिकरण और परिसीमन आयोग का निर्णय क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा, ये संविधान के अनुच्छेद 262 और अनुच्छेद 329 में बताया गया है। चलिए कुछ और बातों को समझते हैं। अगली बात है सुप्रीम कोर्ट के अपीली अधिकार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के अपीली अधिकार, देखिए अपीली अधिकार तीनों तरीकों के मामले में है सुप्रीम के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, दीवानी मामले में, फौजदारी मामलों में और संविधान की व्याख्या के मामले में। संविधान की व्याख्या, ठीक। देखिए ऐसा कोई भी मामला अगर कोई हाई कोर्ट सुनवाई करता है और उस मामले में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है तो वह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दीवानी मामले क्या होते हैं, सिविल मामले, जैसे कि लेन देन के कोई मामले हैं, लेन देन के मामले, संपत्ति का मामला, विवाह का मामला, इस तरीके के मामले भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फौजदारी मामलों के संबंध में भारत के संविधान का अनुच्छेद 134 कुछ डिफाइन करता है और यह कहता है कि फौजदारी मामले कौन से मामले, जैसे हत्या का मामला है, डकैती का मामला है, इस तरीके के मामले। ये मामले कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब मान लीजिए जिला कोर्ट ने, जिला कोर्ट से कोई केस उच्च न्यायालय ने अपने पास ले लिया है और निर्णय में क्या दिया है, फांसी की सजा दी है, तो ये मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। या फिर जिला कोर्ट ने बरी कर दिया था और उच्च न्यायालय ने फांसी दे दी है, तो इस तरीके की कंडीशन में फौजदारी मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो फौजदारी केसेस के मामले में कुछ रिस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने में, लेकिन अगर वो मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हमने देखा और दीवानी मामले भी जा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अपीली अधिकार के संबंध में हमारी बातें हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय क्या होगा, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। इस बात को अच्छे से समझिएगा, अभिलेख न्यायालय होगा, इसका मतलब है कि जो भी यह निर्णय देगा उच्चतम न्यायालय, उन निर्णय को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। मान लीजिए किसी मामले में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और उसी प्रकार का मामला आज 2023 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आता है, तो इस मामले को रेफरेंस के रूप में यहां पर दिया जा सकता है और बताया जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के मामले में क्या निर्णय दिया था। तो अभिलेख के रूप में निर्णयों को रखना यह कहलाता है अभिलेखी न्यायालय। देखिए हाई कोर्ट भी अभिलेखी न्यायालय होते हैं कि किसी अन्य हाई कोर्ट के मामले को, निर्णय को रेफरेंस के रूप में किसी दूसरे न्यायालय में रखा जा सकता है। तो जो आप वकीलों के घरों में काफी मोटी मोटी किताबें देखते हैं उसका अर्थ यही है कि वो सारे केसेस की स्टडी करते हैं कि जो केस हमारे पास है वो किस हाई कोर्ट में, कहां सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस इस प्रकार से
आया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय के संबंध में बात करता है। अब देखिए कुछ और बातें हम कर लेते हैं। वे बातें क्या हैं? देखिए उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के संबंध में आप एक बात सुनते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। और दूसरी बात हम सुनते हैं निर्णय का पुनर्विलोकन। निर्णय का पुनर्विलोकन। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू या रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट। जुडिशियल रिव्यू क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के माध्यम से मिलती है, और इसके अनुसार मामला यह बनता है कि ऐसी कोई भी विधि, अगर संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जो कि संविधान के अनुसार नहीं है, मौलिक अधिकारों के आधार पर सही नहीं है, तो ऐसी किसी भी विधि को जो संविधान के अनुसार नहीं है, विधि संविधान के अनुसार नहीं है, उन सभी विधियों को उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, रद्द घोषित कर सकता है। तो इसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। और निर्णय का पुनर्विलोकन क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने पहले निर्णय दिया था, पहले निर्णय दिया था और अब अपने निर्णय में क्या कर रहा है, वह बदलाव कर रहा है, निर्णय में बदलाव। तो निर्णय में जो बदलाव होता है वह कहलाता है निर्णय का पुनर्विलोकन। और किसी बनने वाली विधि का, अगर कोई विधि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, उसका रद्द किया जाना क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजी को भी आप याद रखिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान, निर्णय का पुनर्विलोकन आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में मिलेगा, और न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के माध्यम से करता है। और साथ ही यहां पर एक केस मान लीजिए न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार बना है, 13 जजेस की बैच ने केशवानंद भारती केस में यह निर्णय दिया था कि ऐसा कोई भी मामला, कोई भी बदलाव संसद संविधान में कर सकती है, लेकिन अगर वह विधि के अनुसार या संविधान के अनुसार सही नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति अनुच्छेद 13 और केशवानंद भारती केस के बाद उच्चतम न्यायालय को मिलती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ और बातें हम देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं रीट अधिकारिता के बारे में। रीट अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिता, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 तरीके के रीट जारी कर सकता है, 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की रीट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि अगर पुलिस ने या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है उसको सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। सेकंड है परमादेश, सरकार को आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं। थर्ड है प्रतिषेध, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, अगर कोई मामला लोअर कोर्ट्स में चल रहा है तो ऐसे मामले को अपने पास बुलाना क्या कहलाता है, प्रतिषेध कहलाता है। उत्प्रेषण, अगर किसी मामले में निर्णय आ चुका है और ऐसे मामलों की सुनवाई करना, इन ऐसे निर्णयों को निर्णय को वहीं पर रोक देना और इन निर्णयों की सुनवाई करना क्या कहलाता है, प्रतिषेध। और फिफ्थ है आपका अधिकार पृच, यानी कि को वारंटो, अधिकार पृच को वारंटो, यानी कि आप किस अधिकार से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो रीट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास से अनुच्छेद 32 के अनुसार, और ये सारी रीट जारी की जाती हैं अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, मौलिक अधिकार के हनन पर ये रीट जारी की जाती हैं।
उच्च न्यायालय के पास भी इस तरीके की शक्तियां हैं, और ये उच्च न्यायालय के पास शक्ति है अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग ये रिट जारी कर सकता है हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब एक और मसला है, बात है संविधान पीठ, आप काफी सुनते हैं संविधान पीठ के संबंध में। संविधान पीठ देखिए, संविधान पीठ में कम से कम, जब भी संविधान पीठ की बात होगी कम से कम 5 जज एक साथ बैठेंगे। संविधान पीठ में मिनिमम 5 जज होंगे। अब तक का सबसे बड़ी संविधान पीठ 13 जजों की बैठी है, वह भी बैठी है कहां पर, केशवानंद केस में, केशवानंद भारती केस में ही 13 जजों की बेंच बैठी है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की सलाह लेते हैं तब पर भी 5 जजों की इस तरीके की संविधान पीठ बनती है। यानी कि अगर किसी संवैधानिक मामले में सलाह देनी है या निर्णय देना है तो वहां पर कम से कम 5 जज एक साथ बैठेंगे, और इसे क्या कहा जाएगा, संविधान पीठ कहा जाएगा। और अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ 13 जजों की संविधान पीठ बैठी है। और अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अगर कोई सलाह लेता है तो वह सलाह अगर कम से कम 5 जज के अपने निर्णय के माध्यम से ही देंगे। तो इस तरीके से संविधान पीठ क्या है, किसी संवैधानिक मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कम से कम 5 जज जब बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है, संविधान पीठ कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको उच्चतम न्यायालय के संबंध में जाननी थी, और इन बिंदुओं पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आगे भी हम इस तरीके के बिंदुओं को समझते रहेंगे। धन्यवाद।